जयपुर के बाल सुधार गृह से भागे नाबालिगों ने 29 फरवरी को रोहतक में एक व्यापारी सचिन मुंजाल को 12 राउंड फायरिंग कर मार डाला। रोहतक पुलिस ने पहले इस मामले को बदले की वजह से हत्या माना था, लेकिन फिर हत्या के पीछे लॉरेंस विश्नोई गैंग का हाथ होने की जानकारी सामने आई। विश्नोई के खासम खास रोहित गोदारा ने हत्या की जिम्मेदारी ली है और जांच में जो बात सामने आई है उसने राजस्थान समेत कई राज्यों की पुलिस की नींद हराम कर दी है। जयपुर के बाल सुधार गृह से फरार हुए नाबालिगों का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। यह तस्वीर रोहतक की बताई जा रही है जिसमें नाबालिगों की ओर से गोलियां चलाने की तस्वीरें कैद हैं। इन नाबालिगों को अब नेपाल बॉर्डर से पकड़ लिया गया है, यानी कि साफ है कि अब विश्नोई गैंग वारदात को अंजाम देने के लिए नाबालिगों का इस्तेमाल कर रहा है। रोहित गोदारा के जरिए लॉरेंस गैंग नाबालिगों को गैंग में भर्ती कर रहा है और उनसे राज्य में संगीन वारदातों को अंजाम दे रहा है। जांच में तो यह भी पता चला है कि ये नाबालिग लॉरेंस से मिलने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसके बाद सतर्कता बरतते हुए इंटेलिजेंस ने भी सभी राज्यों की पुलिस को एक नोट जारी कर कहा है कि वो बाल सुधार गृह में बंद नाबालिगों की लिस्ट तैयार कर गृह विभाग को भिजवाएं। इस मैसेज को देश की हर राज्य पुलिस ने बड़ी ही गंभीरता से लिया है, तो अब इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल भी लगातार की जा रही है। और बीती 12 फरवरी को लॉरेंस के एक गुर्गे समेत 23 बाल अपचारी लोहे की जाली काटकर सुधार गृह से भाग निकले थे। भागने का ये पूरा प्लान लॉरेंस के गुर्गे ने बनाया था। पुलिस ने कई दिनों तक अलग अलग जगहों पर तलाश कर 16 नाबालिगों को पकड़ा था, तो वारदात को अंजाम देने के लिए बच्चों के इस्तेमाल शुरू किए गए हैं। जघन्य अपराध के लिए बच्चों को बहकाया जा रहा है। नाबालिग से वारदात को अंजाम दिलाने के लिए हत्याकांड में शामिल नाबालिगों को सर मामला ऐसा था, मेरा दोस्त है बचपन का, ये कल अपनी सिस्टर के बेटे की मैरिज के लिए संगरूर जा रहे थे गुड़गांव से, तो रोहतक के पार करते ही इनको फैमिली भी थी इनकी, तो वो एक होटल में रुके थे फ्रेश फ्रेश होने, इतने में कोई गाड़ी में आए दो बंदे, उन्होंने पीछे से अंधाधुंध गोली फायरिंग करी जिसमें सचिन जी की जान चली गई और इनकी मदर को दो गोली लगी। रात को हमारे को फोन आया 11 बजे के आसपास कि था मेरे भाई को जैसे गोलियां मार दी गई हैं। तो ये कहां से कहां जा रहे थे? ये इनकी सिस्टर की लड़की की मैरिज थी, वहां संगरूर जा रहे थे। तो क्या कौन लोग हैं अभी पता चला? अभी पता नहीं चला कौन, अभी कुछ नहीं पता चला। ये आपके बड़े भाई थे? हाँ जी। क्या मम्मी को भी तो लगी है? मम्मी को एक गोली लगी है, तो मम्मी अब ठीक है। तो बताया उन्होंने किस तरह मिला हुआ था? वो कह रहे हम कि खाना खाने के लिए रुके थे, तो जैसे वॉशरूम गई थी भाभी वगैरह, मम्मी भी गई थी, तो गाड़ी में भाई अकेला था तो पीछे से आके फिर गोली चला दी। इतनी देर मम्मी आई तो मम्मी को भी पीछे से एक गोली लगी। तो बाल सुधार गृह से भागे इन नाबालिगों ने इस वारदात को अंजाम दिया है, जिसके बाद से अब हर एंगल से पुलिस की टीम इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है कि और कितने लोग इस वारदात में शामिल हैं, और पूरी कोशिश की जा रही है जो भी नाबालिग बाल सुधार गृह से भागे हैं उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जा सके। तो अब इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़ेंगे। सबसे पहले उनका परिचय हम आपसे करा देते हैं। योगेंद्र कुमार जोशी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रिटायर्ड एडिशनल एसपी हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर। इसके अलावा डॉक्टर प्रियंका यादव हमारे साथ जुड़ रही हैं, कंसल्टेंट साइकोलॉजी फोर्टिस से। मैम आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले योगेंद्र जी आपसे ही शुरुआत करते हैं, सवाल ये रहेगा आपसे कि जिस तरीके से बाल सुधार गृह से इससे पहले भी कई बार जो बाल अपचारी हैं वो भाग निकले हैं, बावजूद इसके आखिर क्यों नहीं ऐसी व्यवस्था की जा रही है कि बच्चों को यहाँ पर सुरक्षित रखा जाए और जो बच्चे यहाँ से भाग रहे हैं उनकी जानकारी पुलिस तक जल्द से जल्द पहुंच पाए, क्योंकि लगातार ऐसी घटनाएं अगर सामने आएंगी तो प्रशासन पर लिहाजा सवाल खड़े होंगे। शिवानी जी बिल्कुल सही बात है, आपने सही कहा है, और ये 15-20 दिन में दूसरी वारदात हो गई है। प्रशासन और सरकार, मैं समझता हूं इसमें इतनी संवेदनशील नहीं है जितनी संवेदनशील होनी चाहिए, क्योंकि आप ये देख रहे हैं कि पहली बार जब ये निकले थे 23, उस समय में वहां के जो सुपरिंटेंडेंट है उसको निलंबित कर दिया, उसके जो वहां क्राफ्ट टीचर था उसको निलंबित कर दिया, और दो जो चौकीदार थे उनको गिरफ्तार कर लिया। अब आप देखिए दूसरी बार अगर फिर चले गए हैं
तो अब किसको गिरफ्तार, आप किसको सस्पेंड किया इन्होंने? अब इनके पास सस्पेंड करने को है ही नहीं कुछ भी। पहले सस्पेंड करने वाले थे, सस्पेंड कर दिया, अब दूसरी बार जिसको लगाया है उसको क्या सस्पेंड किया इन्होंने? कोई सस्पेंड नहीं किया, क्योंकि ये कर नहीं सकते। कारण ये है कि लापरवाही इनकी नहीं है, लापरवाही बड़े अधिकारियों की है। हमारे यहाँ क्या है, ये देखा जाता है कि नीचे वाले को सस्पेंड कर दो, उसको बर्खास्त कर दो, उसको गिरफ्तार कर लो। ये इन अधिकारियों का, जो हमारे ये अधिकारी हैं, जो इस विभाग से संबंधित अधिकारी हैं, ये इनका एक एटीट्यूट है। इसके अलावा और बताऊं मैं आपको जी, कि इस जो ये बाल अपचारी जो विभाग है जहां ये बच्चे ठहरते हैं, वहां पर हर महीने 4 एडीजी रैंक के अधिकारी आकर के निरीक्षण करते हैं। फिर क्या होता है, किशोर न्याय बोर्ड यहाँ 2 हैं, उनके जो न्यायिक मजिस्ट्रेट हैं ये भी वहां राउंड लेते हैं। मैं आपको बहुत सारी बातें वो बता रहा हूँ जी जी, जो यहाँ होती है, और उसके बावजूद अगर वहां सुरक्षा के उपाय नहीं होते हैं हाँ। तो आप देखिए, एक कर्मचारी को सस्पेंड करना, निलंबित करना हाँ। और जो वहां पर चौकीदार हैं उनको गिरफ्तार करना कहां तक न्यायोचित है? जिम्मेदारी जिन अधिकारियों की है उन अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगना चाहिए। और अगर राज्य सरकार को चाहिए कि वो स्पष्टीकरण नहीं ले सकती हैं, तो इन अधिकारियों में इतनी हुकूमत होनी चाहिए अपने मन में कि ये अपने आप को निलंबित करके घर चले जाएं। क्योंकि एक बार हो गया, दूसरी बार फिर हो गया, तो पहली बार बेचारे सस्पेंड कर दिए, तो दूसरी बार इन्होंने क्यों नहीं किया भाई? अभी जिसके ऊपर चार्ज था उस पर सस्पेंड करते। बात ये नहीं है, मैं आपको ये बता देना चाहता हूं, क्योंकि यहाँ सरकार ही नहीं, इस विभाग के संबंधित अधिकारी भी लापरवाह है हाँ। उनको कोई लेना देना नहीं है शिवानी जी, जी। क्या हो रहा है यहाँ? वहां डोलियां कंप्लीट नहीं है, तारबंदी पूरी लगी हुई नहीं है। अच्छा एक और है, ये बाल सुधार गृह कहलाते हैं, लेकिन इसमें 18 साल की उम्र का बच्चा, वो बच्चा थोड़ी होता है। आप देखिए उसके अंदर 6-8 साल से लेकर के 18 साल तक का, अब आप बताइए, यहाँ गैंग बन गई है और गैंग निकल के बाहर जाकर के वारदात कर रही है। क्या यहाँ के प्रशासन को, यहाँ के विभाग को, जो ये विभाग कहलाता है सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग हाँ। इनके मंत्री को, इनको किसी को अभी तक कोई इनके कान में जू ही नहीं लगी है। और आप देखिए उन्होंने निकल कर दूसरी जगह मर्डर कर दिया अभी भी यहाँ। और आप देखिए 13 तारीख को एक आ गया था, 12 को ये गए, साहब हमने 6 टीमें बना दी हैं, हमने SOG STF को कह दिया है जल्दी गिरफ्तार हो जाएंगे, लेकिन क्या गिरफ्तार हो गए? उन्होंने वारदात कर ली। मेरा ये कहना है कि कानून में लिखा है कि कानून अंधा होता है, और ये चीज यहाँ देखने को मिल रही है। ये आप देखिए इस किशोर जो जहाँ सुरक्षित रहते हैं जी जी, वहां पर ADJ रैंक के अधिकारी क्यों आते हैं भाई? क्या लेने आते हैं वो? उनका अधिकार बनता है। और मैं एक बात और बताऊं आपको हाँ। लाभ क्यों बदमाश उठा रहे हैं? इसलिए लाभ उठा रहे हैं बदमाश कि किशोर न्याय बोर्ड अधिनियम 2015 उसकी धारा 21 है, उसमें ये साफ शब्दों में लिखा हुआ है हाँ। कि गंभीर प्रकृति के अपराध, जिसमें मर्डर भी आ गया, रेप भी आ गया, उसमें इन बच्चों को आजीवन कारावास और फांसी की सजा नहीं दी जाएगी। ये क्लियर है, और इस प्रकार के कानून में जब ये क्लियर है हाँ। तो इनके सजा का कौन करेगा? इसके सजा का निर्णय करते हैं ये न्याय बोर्ड वाले जी। अब ये न्याय बोर्ड वाले रो जाते हैं, ये नहीं देखते हैं कि किसने कौन कौन से अपराध किए हैं, उन्होंने किस हाँ, किस हाँ। तरह के अपराधों में भाग लिया है। और आप देखिए ये क्या करेंगे, अब वो बच्चे निकल के चले गए, उनमें से 2 साथ और चले गए, उन्होंने फिर मर्डर कर दिया। तो ये सरकार और सरकार के ये नुमाइंदे कब तक शांत बैठे रहेंगे और ये देखते रहेंगे तमाशा? बिल्कुल ठीक है। चलिए योगेंद्र जी, हमारे साथ पवन दुग्गल जी भी जुड़ गए हैं, साइबर लॉ एक्सपर्ट, बहुत बहुत स्वागत है पवन जी आपका। और जिस तरीके से योगेंद्र कुमार जी ने साफ तौर पर यही कहा है कि बार बार गलती नहीं लापरवाही होती है, और जिस तरीके से ये मामला निकलकर सामने आया है, बाल सुधार गृह से कई बार
नाबालिग भाग चुके हैं, लेकिन कोई व्यवस्था ऐसी नहीं की जा रही है कि इस पर रोक लगाई जा सके और साथ ही उनकी जल्द गिरफ्तारी हो। और बाल सुधार गृह से निकलने के बाद अगर ऐसी वारदातों को ये नाबालिग अंजाम देते हैं तो ये लिहाजा प्रशासन पर सवाल खड़े होंगे कि आखिर सुरक्षा के किस तरीके के इंतजाम वहां पर किए जा रहे हैं। जिस तरीके से इस पूरे मामले में अगर बात करें, लॉरेंस बिश्नोई का भी अब नाम सामने आ रहा है, कैसे आखिर बाल सुधार गृह में संपर्क किया और अपने ये इस तरीके की प्लान को अंजाम दिया गया है, आखिर ये संभव कैसे हुआ? देखिए, कैसे संभव हुआ होगा इस पर टिप्पणी तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन ये बात स्पष्ट है कि पूरे सिस्टम में अभी बहुत खामियां हैं। और जो खामियां हैं, ग्रे जोन्स हैं, उन लूप होल्स को कहीं ना कहीं कवर करने की जरूरत है। अल्टीमेटली अगर आप उद्देश्य देखते हैं तो बाल सुधार का उद्देश्य होता है कि आप बच्चों का सुधार कर सके, लेकिन अभी अनफॉर्चुनेटली सिस्टम ऐसा बना हुआ है कि आप अभी भी प्रोसीजर पर ज्यादा जाते हैं, ब्यूरोक्रेटिक एलिमेंट्स पर ज्यादा जाते हैं, जो मुख्य सब्सटैंशियल उद्देश्य है कानून का उसकी पूर्ति की ओर काम नहीं जाते। और काफी हद तक क्योंकि जागरूकता की कमी है, कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं है विभिन्न स्टेक होल्डर्स को लेकर, तो फिर बिल्कुल लोग लकीर के फकीर हो जाते हैं और जो कानून का उद्देश्य है उसकी पूर्ति के लिए वो बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते। तो मुझे लगता है कि ना केवल कानून में संशोधन की आवश्यकता है, बल्कि साथ ही साथ आवश्यकता है कि लोगों में ज्यादा जागरूकता फैलाई जा सके कि वो किस तरीके से जो विभिन्न राइट्स, ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज परिभाषित हैं कानून के तहत, उसके तहत वो अपने कार्य कर सकें और जो कानून के उद्देश्य हैं उनकी पूर्ति को प्राप्त करने के लिए भी ठोस कदम उठा सकें। बिल्कुल सही कहा आपने पवन जी। डॉक्टर प्रियंका भी हमारे साथ हैं, एक बार प्रियंका जी का रुख करते हैं। देखिए प्रियंका जी, इस खबर को जब से ये सामने आई है तब से तमाम सवाल उठ रहे हैं सुरक्षा को लेकर, प्रशासन पर भी अब सवाल खड़े होने लगे, लेकिन इस बीच समझने की कोशिश की जाए, बाल सुधार गृह में जो बच्चे थे जिनकी उम्र महज 19 और 18 साल की बताई जा रही है, ऐसे बच्चे जल्द ही लॉरेंस बिश्नोई के संपर्क में आ रहे हैं और साथ ही साथ इस तरीके की वारदात को अंजाम दे रहे हैं, कितना जरूरी हो जाता है इन सभी मामलों को लेकर सबसे पहले तो सुरक्षा के इंतजाम होना बाल सुधार गृह में, और इसके अलावा इन बच्चों को किस तरीके से इन कामों में लिप्त होने से बचाया जा सकता है? तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आई थिंक जो लॉ एंड ऑर्डर है वो सुपरफिशियली समस्या के साथ डील कर रहा है। हमें ये समझना होगा कि ये प्रॉब्लम्स हो क्यों रही हैं, बच्चे अपराध की तरफ क्यों जा रहे हैं। तो उसके लिए समझना जरूरी है कि बहुत सारी फैक्टर्स हैं जो बच्चों को इस तरफ ड्राइव करते हैं, क्योंकि अगर हम वो फैक्टर्स को समझ लें और टाइमली बहुत जल्दी अगर हम उसमें कुछ काम करने की कोशिश करें तो हम बहुत सारे बच्चों को क्रिमिनल एक्टिविटीज की तरफ जाने से रोक सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल पहली चीज है लैक ऑफ एजुकेशन, यानी कि जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं तो वो एजुकेशन सिस्टम में क्यों नहीं आ पा रहे हैं, उसके ऊपर काम किया जा सकता है। पॉवर्टी यानी कि गरीबी, उसके ऊपर काम किया जा सकता है। अक्सर देखा गया है कि जो बच्चे क्राइम्स कमिट करते हैं उनकी फैमिली में ऐसे ही उन्होंने कुछ चीजें देखी हैं, वायलेंस देखा है, उनके खुद के साथ या फैमिली मेंबर्स के साथ किसी तरीके का कोई अब्यूज उन लोगों ने वॉच किया है या उनके साथ होता है। तो अगर इन चीजों पे हम टाइमली काम कर पाए तो ये बच्चे उस डायरेक्शन में जाने से रुक सकते हैं। फिर देखा गया है कि किसी भी तरीके का नशे का इस्तेमाल या गलत कंपनी में पड़ जाना, इन सब चीजों की वजह से बच्चे उस तरफ जा रहे हैं। एक बार अगर बच्चे बाल सुधार गृह में पहुंच गए हैं तो हमारे प्रोग्राम्स होने चाहिए और चलते भी हैं बहुत जगहों पर, जिसके थ्रू हम उनकी मानसिक अवस्था पे काम कर सके और जो जो फैक्टर्स की वजह से वो ये क्राइम्स कमिट कर रहे हैं हम उनमें सुधार कर सके। इसीलिए ऐसे जगहों पर साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट की टीम होनी बहुत जरूरी है ताकि हम टाइमली प्रोग्राम्स बना सकें और जब वो बाल गृह से निकलें तो वो एक डिफरेंट इंडिविजुअल बनके निकलें, एक डिफरेंट इंसान बनके निकलें। तो हमें समझना होगा कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हमारे कंट्रोल में हैं एज अ सोसाइटी। अगर हम मेंटल हेल्थ को थोड़ी सी प्रायोरिटी दें, थोड़ा सा ध्यान दें तो हम ये सारी परेशानियां होने से पहले ही रोक सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने प्रियंका जी, लेकिन इस बीच समझने की कोशिश की जाए, बाल सुधार गृह में बच्चों को रखा जाता है सुरक्षित तौर पर, उन्हें किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो सके इस बात का भी खास ख्याल रखा जाता है और उन्हें नैतिकता सिखाने के लिए और उनके जीवन शैली में सुधार लाने के लिए प्रयास किया जाता है, लेकिन क्या कमी रह जा रही है कि बच्चे बाल सुधार गृह से भाग रहे हैं और भागने के बाद मर्डर कर रहे हैं और ऐसी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं? तो अगर साइकोलॉजिकली समझें तो मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली
हम उनकी जो साइकोलॉजी है वो समझ नहीं पा रहे हैं। इंटरवेंशन खाली नैतिकता सिखाने के लिए नहीं होना चाहिए, हमें बहुत सारे फैक्टर्स को एड्रेस करना है। जैसे कि जितना काम मैंने किया है बच्चों के साथ, क्रिमिनल माइंडसेट में देखा गया है कि बहुत सारे डिसऑर्डर्स हैं जो बच्चों में हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ADHD हो सकता है, कंडक्ट डिसऑर्डर हो सकता है, बहुत तरीके की पर्सनैलिटी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, किसी तरीके का नशे का इस्तेमाल जिसे सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर कहा जा सकता है वो होता है। तो हमें इन सारी चीजों को एड्रेस करना है और फिर धीरे धीरे उन्हें सोसाइटी में इंटीग्रेट करने की कोशिश करनी है। जब वो बाल गृह से निकले तो क्या उनके पास एक फ्रेमवर्क है जहां वो जा सके, तो जिसके लिए बहुत जरूरी है कि फैमिली इंटरवेंशन किया जाए, फैमिलीज को सिखाया जाए कि किस तरीके से वो अपने बच्चों के साथ सोसाइटी में वापस हेल्दी तरीके से इंटीग्रेट हो सकते हैं या मिल सकते हैं। तो हमें उनकी एजुकेशन का ध्यान रखना होगा, उनके रोजगार का ध्यान रखना होगा, उनको वो स्किल सिखाने होंगे जो उनके पास नहीं थे। जैसे कि छोटे बच्चों में देखा गया है कि एंगर इश्यूज बहुत होते हैं, गुस्सा कंट्रोल ना कर पाना या इम्पल्स को कंट्रोल ना कर पाना, तो ऐसे बच्चे स्कूल में भी बहुत सारे कंप्लेंट्स उनके आते हैं, या देखा गया है कि वो उन्होंने कहीं पे आग लगा दी है या लॉ को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें आपको बचपन से ही दिखनी शुरू हो जाती हैं। क्या इन चीजों पे हम इंटरवीन कर रहे हैं एज अ सोसाइटी? हम वो स्ट्रक्चर बच्चों को दे पा रहे हैं कि वो सेफ फील करें और वो अच्छी तरीके से ग्रो करें? अगर नहीं तो एटलीस्ट जब वो उन्हें हम बालगृह में ला रहे हैं तो वहां पर हमें ये इंटरवेंशन देना बहुत जरूरी है। तो खाली नैतिकता नहीं, बहुत डीप एक प्रोग्राम रन करना चाहिए जिससे हम उनकी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव कर सकें और जब वो बाहर आए तो वो सोशली कैसे इंटीग्रेट हो सकते हैं उस पर भी काम कर सकें। तो आई थिंक एक अच्छा अगर प्रोग्राम इसके ऊपर बनाया जाए तो बच्चे नहीं भागेंगे, क्योंकि कुछ तो कारण है कि वो वहां से भाग गए। बहुत इंपॉर्टेंट बात कही आपने डॉक्टर प्रियंका। हमारे साथ योगेंद्र जी भी लगातार जुड़े हुए हैं। योगेंद्र जी देखिए, माफ कीजिएगा, जिस तरीके से अब ये खबर निकलकर सामने आई है, कई बार ऐसी खबरें आई हैं कि बाल सुधार गृह से बच्चे भाग जाते हैं, और NDTV राजस्थान की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची, वहां पर हमने देखा किस तरीके से जो बाल सुधार गृह है वहां की दीवारें किस तरीके से जर्जर थी, क्या कुछ वहां पर व्यवस्थाएं थी, उनमें कितनी कमी थी। सबसे पहले तो इन सब चीजों का ध्यान रखना कितना जरूरी हो जाता है, क्योंकि बच्चों को वहां पर सुरक्षित रखना है तो उनकी सिक्योरिटी भी बहुत जरूरी हो जाती है। देखिए शिवानी जी, अब ये डॉक्टर प्रियंका बता रही थी, इस तरह की चीजें यहाँ सब मौजूद हैं। यहाँ जयपुर में ये न समझे आप कि साइकेट्रिक नहीं है, साइकोलॉजिस्ट नहीं है, सब है यहाँ पर। और यहाँ दुनिया भर के NGO मौजूद हैं जो सरकार से पैसा लेते हैं जी। ये भी नहीं है कि भाई NGO नहीं है या किसी को इस चीज की समझ नहीं है यहाँ जयपुर में, यहाँ सबको समझ है लेकिन काम करने की इच्छा शक्ति बिल्कुल नहीं। आप बताइए, IAS अधिकारी बैठते हैं ऊपर, इनके ऊपर मंत्री बैठते हैं, आप बताइए उसके बाद भी क्या स्थिति है वहां की। जो ये बिल्डिंग है ना, ये इतनी पुरानी बिल्डिंग है, मैं समझता हूँ इस बिल्डिंग को ही 100 साल हो गए होंगे, इतनी पुरानी बिल्डिंग। वहां की जमीन सही नहीं है, फर्श सही नहीं है, वहां बच्चों को सही खाना नहीं मिलता है, उनके सोने की व्यवस्था सही नहीं है, तो दिन भर बच्चों के लिए खेल कूद के कोई इंतजाम नहीं है। अभी जैसे मैडम बता रही हैं, तो उसके लिए दिन भर बच्चों के लिए इंतजाम होने चाहिए, पढ़ाई लिखाई का इंतजाम होना चाहिए, अगर और कोई नहीं है तो गेम्स का होना चाहिए, कंप्यूटर का एक कुछ न कुछ होना चाहिए। ये सब चीजें यहाँ पर लिखा पढ़ी में कागज में आपको सब मिल जाएंगी, अगर आप टेलीफोन करके यहाँ के सेक्रेटरी से पूछेंगे तो सब पता लग जाएगा जी। परंतु करेंगे नहीं बिल्कुल भी, करने के नाम पे ढेला नहीं। बताइए आप, पहले चले गए 23 निकल के यहाँ से, उसके बाद क्या किया इन्होंने? कुछ नहीं किया, इन्होंने सोचा आपको जाएगा ही नहीं, और एक ढेला काम नहीं किया वहां पर, और पुलिस को दे दी जिम्मेदारी, भाई पकड़ के लाओ। अब वो पुलिस, राजस्थान पुलिस वहां कहाँ जाएगी पकड़ने के लिए, और इतनी जल्दी क्या पकड़ के लाएगी? उन्होंने वहां मर्डर कर दिया जी। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि हम राय देने में तो राय मास्टर बहुत है, लेकिन ये जो काम करने वाली है ना संस्था, जो यहाँ के विभाग जो बने हुए हैं, इन विभागों को चलाने के लिए चाहिए ना जी। सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग की जिम्मेदारी क्या है? उनसे कोई पूछने वाला तो हो कि भाई आपने ये पहले भग गए, उससे पहले भग गए तो तुम कर क्या रहे हो, उनकी सुरक्षा के लिए तुमने क्या किया? पहले सुपरिंटेंडेंट को सस्पेंड कर दिया, अब ये सुपरिंटेंडेंट को दोबारा सस्पेंड क्यों नहीं किया भाई? जब पहले वाले को कर दिया तो इसको सस्पेंड क्यों नहीं किया? इनके क्या दोहरे मापदंड है? ये काम करना नहीं चाहते, ये निकम्मे अधिकारी लगे हुए हैं,
और मैं राज्य सरकार से आपके चैनल के माध्यम से आग्रह करूंगा कि एक बार वारदात हो गई, दूसरी बार फिर हो गई, अब गाज जो है बड़े अधिकारियों पर गिरनी चाहिए और अगर नहीं गिरती है तो ये मान के चलिए ऐसी वारदातें फिर दोबारा होंगी, और ये मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम में ठोक के बोल रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है, पवन दुग्गल जी हमारे साथ हैं। पवन जी, आप इनकी बातों से कितना सहमत है? साफ तौर पर यही इनका कहना है कि अधिकारियों पर कार्रवाई सबसे ज्यादा जरूरी है, तभी जाकर ऐसे मामलों पर रोक लग सकती है, नहीं तो आए दिन ऐसी घटनाएं होंगी और प्रशासन पर सवाल खड़े होंगे। पवन जी आप अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। धन्यवाद। मैंने कहा कि भारतवर्ष में कानून बहुत सारे हैं, लेकिन कानून महत्वपूर्ण नहीं होता, महत्वपूर्ण होता है कि आप कानून की इन्फोर्समेंट किस दिशा से और किस प्रणाली से कर पाते हैं। तो इस संदर्भ में भी हम देखते हैं कि अधिकारीगण जो होते हैं वो अधिकांश तौर पर या तो कानून का उल्लंघन करते हैं या कानून को बाईपास करने का प्रयास करते हुए अपने उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। तो अगर इस तरह के मामले सामने आए हैं जहां पर कानून के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया है तो उस संदर्भ में ठोस कार्रवाई तो होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि एक बार ठोस कार्रवाई होगी तो संभावित तौर पर एक संदेश पूरे इकोसिस्टम में जाएगा कि साहब आप कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। तो अब डिपेंड करता है पॉलिटिकल विल पर कि क्या उन अधिकारियों के ऊपर कोई कार्रवाई की जाएगी या नहीं की जाएगी। क्योंकि आज तौर पर यह है कि अधिकांश तौर पर ये जो मामले सामने आ रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस भी सामने आ रहा है। आजकल मोबाइल फोन का बहुत जबरदस्त इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन जब व्यक्ति बाहर निकलते हैं, भागते हैं, तो सबसे पहले अपने विरुद्ध जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस होता है उसको नष्ट करने का प्रयास करते हैं ताकि उनके विरुद्ध कोई भी कन्विक्शन ना हो सके। तो ये तमाम सारा इकोसिस्टम एक दूसरे के साथ जुड़ा है। अगर हमारे ये सख्त कार्रवाइयां की जाएंगी इन अधिकारियों के विरुद्ध तो संभावित तौर पर इस तरह के उल्लंघन नहीं होंगे। उल्लंघन नहीं होंगे तो मुझे लगता है कि कानून के हाथ और ज्यादा सशक्त होंगे और हमें ठोस तौर पर साइबर क्राइम कन्विक्शन रेशो को इजाफा करने में भी मौका मिल पाएगा। बिल्कुल ठीक है। प्रियंका जी भी हमारे साथ हैं। प्रियंका जी, हमने इस मुद्दे पर चर्चा की कि आखिर क्या कुछ कमियां हैं, क्या वजह है जिसकी वजह से बच्चे भाग रहे हैं और ऐसी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। कितना ज़रूरी हो जाता है बाल सुधार गृह में बच्चों की जो मानसिक स्थिति है, उनके जो आचार व्यवहार हैं, इन सभी को लेकर बच्चों को तालीम सिखाना और उनकी सुरक्षा के साथ साथ इन सभी नैतिकता और इन गुण को सिखाना, ताकि अगर वो बाहर निकलते हैं तो इसके बाद ऐसी घटनाओं में उनका दिमाग ना जा पाए और ऐसी घटनाओं में वो शामिल होने से बचे। मेरे हिसाब से ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, पर जैसा कि योगेंद्र जी ने बोला कि ऐसे सिस्टम्स इन प्लेस हैं पर वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे हैं, वहां पे लागू नहीं हो रहे हैं, तो ये बहुत ही ज्यादा कंसर्निंग है कि अगर ये प्रोग्राम्स हैं वहां पर तो उन्हें खाली पेपर पे नहीं रखना है, उनका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन होना भी बहुत जरूरी है। तो अगर मुझे लगता है ये तो हमारे पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि अगर बच्चे बाल गृह में आए हैं और वो ऐसी एज पर आए हैं जहाँ की उनके जो ब्रेन्स हैं वो हम बहुत ज्यादा चेंज हो सकते हैं, अगर हम उन्हें टाइमली इंटरवेंशन दे दें, अगर हम उन्हें टाइमली इलाज दे दें, उनके ऊपर काम किया जाए तो बहुत ज्यादा बदलाव हो सकता है और वो बहुत ही रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बन के बाहर निकल सकते हैं। तो ये टाइम मेरे ख्याल से बहुत अच्छे प्रोग्राम्स का होना बहुत जरूरी है वहां पे, खाली होना ही नहीं इम्प्लीमेंटेशन पे बहुत जरूरी है, जिससे कि उनका जो दिन है वो प्रॉपरली डिवाइडेड होना चाहिए, कि कुछ समय उनका खेलकूद का होना चाहिए, कुछ उनको कुछ ऐसा सिखाया जाए कि जब वो यहाँ से बाहर निकले तो वो अपनी रोजी रोटी कमा सकें, वो थोड़ा सक्षम फील करें, थोड़ा स्ट्रांग फील करें, और जो भी उनको इश्यूज थे मानसिक रूप पे, जो भी इश्यूज थे जिनकी वजह से वो क्राइम की तरफ गए हैं, उन सारे इश्यूज को एड्रेस करना भी बहुत जरूरी है, चाहे उसके लिए दवाइयों की जरूरत हो या काउंसलिंग, मेजरली काउंसलिंग की जरूरत हो। फैमिलीज को भी समझाना बहुत जरूरी है कि किस तरीके से वो इस टाइप के बच्चों के व्यवहार से डील कर सकते हैं। तो ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम है मेरे ख्याल से, यहाँ पर हमें इंटरवेंशन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम यहाँ अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाए तो बहुत सारे बच्चों को हम गलत रास्ते पे जाने से रोक सकते हैं, अगर हम उनको वो दे पाए जो उनके पास नहीं है। पर वो टाइमली इंटरवेंशन करना आई थिंक बहुत इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने प्रियंका जी, बहुत ज़रूरी हो जाता है इस उम्र में बच्चों की काउंसलिंग करना और साथ ही
उनका ध्यान रखना ताकि परिवार वालों के साथ साथ जहां पर भी वो रह रहे हैं उनके दिमाग में ऐसी बातें ना जाएं। हमारे साथ लगातार बने हुए हैं हमारे माफ कीजिएगा तमाम जो हमारे मेहमान थे, पवन जी इस वक्त हमारे साथ नहीं है लेकिन हमारे साथ योगेंद्र जी लगातार बने हुए हैं और प्रियंका जी आपकी बातों को भी सुन रहे थे। योगेंद्र जी ने इस बात का जिक्र किया था कि कितना इम्पॉर्टेंट हो जाता है जो व्यवस्थाएं इस वक्त बाल सुधार गृह में जयपुर में है, अगर उन सभी व्यवस्थाओं का फायदा इन बच्चों को मिलता तो शायद ऐसी नौबत नहीं आती। अगर बच्चे भागते भी बाल सुधार गृह से बाहर तो ऐसी क्राइम में वो संलिप्त नहीं होते और ऐसी वारदातों से वो जरूर बचते। तो योगेंद्र जी आप कितना इम्पॉर्टेंट मानते हैं इन सभी फैक्टर्स को और इन सभी व्यवस्थाओं को कि इनको सुचारू रूप से अगर चलाया जाता है बाल सुधार गृह में तो शायद हो सकता है कि ऐसी वारदातें कम हो। शिवानी जी पहले 12 तारीख को गए हैं, 12 तारीख से 5 तारीख तक ही किसी ने जाके नहीं देखा वहां कि वहां क्या सुधार होने चाहिए, तो फिर वो 5 तारीख को फिर निकल गए। आप देखिए लापरवाही की हद है कि नहीं है, नहीं तो वो क्या पहले जब 22 तारीख को गए थे तभी सुधार हो जाता वहां जाके और वहां सुरक्षा के पूरे उपाय कर सकते थे, लेकिन किसी ने भी कोई उपाय किए नहीं है वहां, कोई अभी जाकर के कुछ नहीं हुआ है, जैसा का तैसा पड़ा हुआ है और वो पहले की खिड़की है वो यूं की यूं लगा दी गई है। अब आप मुझे बताओ कि इस प्रकार की व्यवस्थाएं जहां होंगी वहां बच्चों को, या जो बच्चे चोरी करते हैं वो बच्चे भी इसी में, जो बच्चे पोक्सो के हैं वो बच्चे भी इसी में, जो बच्चे मर्डर के हैं वो बच्चे भी इसी में, जो अटेम्प्ट टू मर्डर के हैं वो बच्चे भी इसी में, जो डकैती के हैं वो बच्चे, और सब साथ रहते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ कोई उनको अलग अलग कर रखा हो, सब एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं और यहाँ ट्रेनिंग सेंटर बना रखा है। जिस तरह से हमारी जेलें ट्रेनिंग सेंटर बनी हुई है, वहां क्या होता है वहां से भी लोगों को फिरौती मिल रही, फिरौती के लिए टेलीफोन जा रहे हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ, जो यहाँ से बाल गृह से निकल के गए हैं उनमें से एक अपचारी ने बीकानेर के एक व्यापारी को टेलीफोन करके धमकी दी थी, उसकी सुरक्षा के उपाय कर ले मेहरबानी करके, नहीं तो ये वहां से जाके वहां कंट्रोल कुछ न कुछ कार्रवाई कर देंगे। ये इतनी लापरवाहियां हैं, बात करने को बहुत कुछ है, टीवी पर अपने अपने वर्जन लोग दे देते हैं, अधिकारी टीवी पर आकर के भूल जाते हैं। बिल्कुल, यानी कुल मिलाकर खराब है योगेंद्र जी, उस पर कार्रवाई करना बहुत धरातल पर इन व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से लाना बेहद जरूरी है और ऐसे मामलों को गंभीरता से लेने की बहुत जरूरत है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया योगेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, डॉक्टर प्रियंका यादव आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एनडीटीवी राजस्थान। नमस्कार।